1 जनवरी 2013 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की शुरुआत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से हुई थी, ताकि इसके माध्यम से धन के सरल और सुगम प्रवाह की व्यवस्था हो और धोखाधड़ी में कमी आए। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT मौजूदा वितरण प्रक्रियाओं को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सरकार की एक प्रमुख सुधारात्मक पहल है। इसके अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सेवाओं को बेहतर करने और समय पर सीधे बैंक या डाक खातों में लाभ स्थानांतरित करके डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। 54 मंत्रालयों या विभागों की 310 योजनाओं को DBT के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। सभी मंत्रालयों, विभागों, उनके संबंध संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ढांचे का पालन किया जाना जरूरी है। यह सभी केंद्रीय क्षेत्र या केंद्र प्रायोजित योजनाओं और उन सभी योजनाओं पर भी लागू होता है जहां नकदी का हस्तांतरण व्यक्तिगत लाभार्थियों को किया जाना है। 22 करोड़ से अधिक जन धन खाते, 100 करोड़ आधार और लगभग 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित देश भर में सभी कल्याणकारी योजनाओं में DBT को लागू करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। DBT और अन्य शासकीय सुधारों के जरिए नकली और फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया है और लीकेज में अंकुश लगा है। DBT सरकारी प्रणाली में दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है और नागरिकों में सुशासन के प्रति विश्वास पैदा करता है। आधुनिक तकनीक और IT उपकरणों का उपयोग अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के सपने को साकार करने में मददगार है। हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचारों का तेजी से विकास हुआ है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप देश के हर कोने तक पहुंचे। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।